नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या अनमोल और आप देख रहे हैं बात पते की। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान की। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक संदेश दिया था। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वो चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत अभियान के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया और इसके लिए सफल बनाने हेतु भारत के सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। ये एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जो कि शहरों और गाँव की सफाई के लिए आरंभ की गई है। इस अभियान में शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, गलियों व सड़कों की सफाई, देश के बुनियादी ढांचे को बदलना आदि शामिल है। स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर। और आज इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता संतोष तिवारी जी मौजूद हैं। संतोष तिवारी जी, हमारे कार्यक्रम बात पते की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस प्रकार से सरकार स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ाने के लिए बहुत सारी कंपेनिंग कर रही है और उसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों से भी इस तरह की अपील कर रही है कि स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े और अपने देश को स्वच्छ बनाए, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्वच्छ भारत अभियान के क्या उद्देश्य हैं। देखिए, जो मेरी समझ जाती है, स्वच्छ भारत अभियान अपने आप में एक हमारी मौलिक ज़रूरत है। बिल्कुल, ये एक बेसिक नीड है एज एन इंडिविजुअल, एज ए फैमिली, एज ए सोसाइटी एंड एज ए कंट्री एज वेल। सो ये हमारी मौलिक ज़रूरत है और इस ज़रूरत के हिसाब से हमारा सबसे पहला चीज़ तो ये है कि इसके बेनिफिट्स जो हैं, अगर आप स्वच्छ भारत से को देखेंगे तो इंडिविजुअली मेरा घर स्वच्छ होता है, मेरी आस पड़ोस स्वच्छ होती है। बिल्कुल। और इससे अपने आप ही हाइजीन जो है वो हेल्थ की तरफ लेके जाता है। जी। सो बेनिफिट तो सब अच्छा ही है। इसके सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि हमारे देश में सुंदरता हो, हर कोई सुंदरता को अप्रिशिएट करता है। बिल्कुल। संतोष तिवारी जी, किस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान पर आगे कार्य किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है वो है, सबसे पहला जो कदम होना चाहिए और जो है वो है इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। अवेयरनेस क्रिएट करना सबसे पहली ज़रूरत है कि लोगों को स्वच्छ भारत की या अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखने की जो है ज़रूरत समझ में आए। जी। सो मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, जो टेलीविज़न से लेकर, प्रिंट मीडिया से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, सबके ऊपर में जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये अपने आप में सबसे पहला स्टेप है। एंड जब ये अवेयरनेस के साथ में फिर आप गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर में फंड क्रिएट करती है जी। और उस फंड का जो है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट वो अपने आप में इतना ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। देखिए, 150वीं जयंती प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के जन्मतिथि के ऊपर में हमको पूरे भारत को क्लीन कर लेना है और उसका सबसे पहला स्टेप है कि घर घर में जो है टॉयलेट बन जाए। बिल्कुल। शौचालय बन जाए जी। वो अपने आप में बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट है। मतलब 13 करोड़, जो मैंने पढ़ा था रिपोर्ट इसके बारे में, करीब 13 करोड़ शौचालय बनाने की ज़रूरत है जी। मुझे अच्छा लगता है कि 1.5 साल के अंदर में, आपको भी शायद जान के खुशी होगी कि 1.2 करोड़ के आसपास टॉयलेट्स बन चुके हैं जी। अब एक पर्टिकुलर चीज़ शायद हमारे जो भी आस पड़ोस में है, इनफैक्ट मैंने आज आने से पहले कुछ लोगों से बात की, 90% लोगों को ये पता नहीं है कि गवर्नमेंट ने, अगर एक BPL फैमिली अपने घर में टॉयलेट बनवाती है तो सरकार की तरफ से उसको 12,000 रुपये की ग्रांट मिलती है टॉयलेट बनाने के लिए। बिल्कुल। अगर एक रूरल के बजाय अर्बन एरिया में आते हैं तो डिफरेंट स्टेट्स में, हर स्टेट ने अपनी अलग अलग बजटिंग की है, 4,000 से लेकर 12,000 रुपये के बीच में अपने घर में टॉयलेट बनाने के लिए सरकार की तरफ से मदद मिलती है जी। अगर लोगों को पता चलेगा कि सरकार मदद कर रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा इसकी अवेयरनेस फैलेगी उतने ज़्यादा इस काम में प्रगति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बट सबसे पहला स्टेप जो है वो है व्यक्तिगत रूप में अपने आचरण में स्वच्छता को हमेशा बैक ऑफ द माइंड में रखना। बिल्कुल। तो वो ये सारी चीज़ें अपने आप में एक प्रोसेस है जो जनरेशन्स के साथ में
जो नहीं हुआ है वो आगे जनरेशंस में ठीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल संतोष तिवारी जी, जिस प्रकार से सरकार को आए हुए 2 साल हो चुके हैं, इन 2 सालों में अगर हम पर्टिकुलर स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं तो क्या लगता है आपको, किस प्रकार की इम्प्लीमेंट्स देखे गए हैं? देखिए, मैं अपनी पहली बात तो ये कि 2 साल इसमें हुआ है, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत हुई थी शायद 2 अक्टूबर 2014 में। बिल्कुल। ओके, सो अभी तक 17 या 18 महीने हुए हैं। बिल्कुल। 17 या 18 महीने हुए, 1.5 साल हुए हैं। इस 1.5 साल के अंदर में, जैसे मैंने बताया, 1 करोड़ इंडिविजुअल टॉयलेट्स बने हैं, चाहे लोगों ने बनाए हैं, सरकार की मदद से बने हैं। एक अपने आप में इसमें जो ये इसको एक मिशन मोड में जो प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है जी, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। और डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन स्कूल के लेवल से दिखाई देता है, बच्चों के अंदर में अवेयरनेस आ गई है, क्लासरूम्स क्लीन है, स्पोर्ट्स ग्राउंड क्लीन है जी। मैं जब इस बार आता हूँ और मेरा बच्चा, मैं केन्या में रहता हूँ पिछले 15 सालों से जी, और जब हम भारत में आते हैं तो हमको एक विजिबल चेंज दिखाई दे रहा है, लोगों के एटीट्यूड में चेंज दिखाई दे रहा है जी। सो यस, कोशिश हमको करनी है कि हर 100 मीटर के अंदर में हमारा एक डस्टबिन पड़ा हो, पर अगर नहीं है तो लोग जरूर एक बार देखते हैं कि है तो डस्टबिन में ही फेंके। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं है तो अभी भी लोगों का एटीट्यूड है। बिल्कुल, कम से कम ये जागरूकता तो लोगों में आई है इस अभियान के बाद। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, और ये विजिबल है। बिल्कुल। और स्पेसिफिकली शायद आप लोग इस देश में ही रहते हैं इसलिए आपको नहीं दिखता हो जी, हम जब बाहर से आ रहे हैं तो हमको बहुत कुछ दिख रहा है। बिल्कुल। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं पिछले 1.5 साल के अंदर में बम्बई, दिल्ली, छत्तीसगढ़, चाहे वो रायपुर हो, बिलासपुर हो, या रूरल एरिया शहडोल है, इन सब जगहों में घूमता रहा हूँ किस अलग अलग समय पे, इंदौर है, भोपाल है। जब कभी किसी सरकारी बिल्डिंग के आजू बाजू जाइए या किसी में भी जाइए, जो वो पान खा के थूकने वाली बात थी, उसको सरकारी ऑफिसर्स में इग्नोर किया जाता था कि वो कॉर्नर गंदा ही है और वो रहेगा जी। आज मैं देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर में और मध्य प्रदेश के अंदर में, ये 2 जगह, अब इनफैक्ट बम्बई में भी मुझे दिखाई देता है, इन 2-3 जगहों के अंदर में तो बिल्डिंग की अगर किसी ने थूक भी दिया है तो शायद कोई सफाई कर रहा है। बिल्कुल। बिकॉज आपको दिख रहा है कि वो ये जो कॉर्नर है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना लाइसेंस रिन्यूअल के लिए गया था जी, लाइसेंस रिन्यूअल के लिए गया था, और 2 साल पहले 4 साल पहले जब मेरा लाइसेंस छत्तीसगढ़ में एक्सपायर हुआ था और मैंने तभी लिया था, और अभी एक बार मैं अपने भाई के साथ गया, जो ऑफिस था और जो आज है, देयर इज अ फोकस। ऐसा लगता है कि कोई डंडा कर रहा है जी, ऐसा लगता है कि एक फोकस है फ्रॉम टॉप टू बॉटम कि नहीं जी, हमको अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना है जी। तो मुझे तो दिख रहा है कि कुछ हो रहा है, इम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं। हो रहा है। बिल्कुल संतोष जी, स्वच्छ भारत अभियान पर ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन अभी हमारे कार्यक्रम में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बात पते की। आप स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जुड़े हुए हैं और आपने काफ़ी कुछ किया हुआ है, आपने स्वच्छ भारत अभियान को विदेशों में भी जाकर लागू करने की कोशिश की है, यानी कि आपने छोटे छोटे डेमोज लिए हैं, किस प्रकार का फीडबैक आपको वहाँ से मिला है? देखिए, जैसे मैं केन्या में रहता हूँ, और अगर आपको पता हो तो केन्या या ईस्ट अफ्रीका में करीब 100-150 साल पहले गुजरात से बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए थे जी, और बड़ी एक वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी है भारत की केन्या के अंदर में। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। नई सरकार को सत्ता में आए हुए 2 साल हो चुके हैं और उसकी मुख्य प्राथमिकता भारत को स्वच्छ करने में है, और इसी लक्ष्य के लिए सरकार ने एक अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। सरकार ने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इस अभियान से जोड़ा है, क्योंकि देश में स्वच्छता के कार्यों को वो बड़ा समर्थन देते थे और अपने पूरे जीवन भर साफ सफाई और स्वच्छता की गतिविधियों से जुड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक भारतीय नागरिक होने की खातिर यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाए जाने तक उनके स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करें। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे इस सपने को पूरा किया जा सकेगा। संतोष तिवारी जी, जिस प्रकार से आप स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जुड़े हुए हैं और आपने काफ़ी कुछ किया हुआ है, आपने स्वच्छ भारत अभियान को विदेशों में भी जाकर लागू करने की कोशिश की है, यानी कि आपने छोटे छोटे डेमोज लिए हैं, किस प्रकार का फीडबैक आपको वहाँ से मिला है? देखिए, जैसे मैं केन्या में रहता हूँ, और अगर आपको पता हो तो केन्या या ईस्ट अफ्रीका में करीब 100-150 साल पहले गुजरात से बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए थे जी,
और बड़ी एक वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी है भारत की किनिया के अंदर में, और मेजॉरिटी गुजराती है, 90% लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं, बट बड़ा ही जो है सोशली काफ़ी एक्टिव है. बहुत सारे वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या है, इसके अलावा दूसरी कम्युनिटीज़ के, बोरा कम्युनिटी के भी लोग हैं जो काफ़ी एक्टिव हैं, जो समय समय पे सोशल इवेंट्स के ऊपर में जो है पार्टिसिपेट करते हैं. स्पेसिफिकली जब कभी वहाँ कोई डिजास्टर आता है, चाहे फ्लड हो, फेमाइन हो और समथिंग, तो इंडियन कम्युनिटी बढ़ चढ़ के जो है लोकल लोगों को मदद करने के लिए आती है. रेगुलरली जो है हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या जो है रेगुलरली आई कैंप लगाती है, मेडिकल चेकअप कैंप लगाती है. सो जब प्रधानमंत्री जी ने इसका स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी जी. तो उस समय में केन्या के अंदर में हम लोगों ने स्वच्छ भारत नहीं पर हमने स्वच्छ केन्या अभियान शुरू किया था जी. और इसमें हिंदू स्वयंसेवक संघ और हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या ने मिलकर जी. जो वहाँ पे भारतीय मूल के जो नवयुवक और नवयुवतियाँ हैं उनको मिलाकर हम लोगों ने, जैसे मैंने खुद ने पार्टिसिपेट किया था मुंबासा के अंदर में, हम हर संडे को जाते थे और एक पर्टिकुलर स्ट्रीट को लेकर क्लीन करते थे जी. और इसको देख के लोगों को के मन में, जो वहाँ के मूल निवासी हैं केन्या के जी. जो लोग देखते थे ये क्या हो रहा है, सडनली 25-50 लोग आ रहे हैं और एक पूरे एरिया को जो है क्लीन कर रहे हैं, हम लोग रिफ्लेक्टर जैकेट्स पहन के और ग्लव्स पहन के और झाड़ू लेकर, और उसके बाद सारा एक स्ट्रीट को हम क्लीन करते थे जी. और वो क्लीन करने का असर ये हुआ, क्लीन ही नहीं किया हम लोगों ने, वहाँ पे जो है डस्टबिन्स जगह जगह पे रखे जी. और उसके बाद यूज मी उसके ऊपर में लिख के रखने शुरू किए. और आज हम देखते हैं कि जो मुंबासा दो साल पहले जैसा होता था और आज जैसा है जी. उसका एक इफेक्ट आया है डेफिनेटली. और बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते थे ये आप क्या कर रहे हो, तो हमने बताया कि भाई भारत में एक ऐसा अभियान चला है तो हमको लगता है कि ये इससे हमको भी प्रेरणा लेनी चाहिए. हम सारे लोग जो हैं केन्या में रहते हैं तो ये हमारा घर है और हमें अपने घर के और अड़ोस पड़ोस को साफ करना चाहिए जी. भारत की जहाँ तक बात है, मैं 2014 में जब चुनाव था, इलेक्शन था जी, तो काफ़ी दिन से मन में इच्छा थी कि इस समय में मैं भारत भ्रमण करूँगा जी. मैं चाहता तो था कि मैं 6 महीने के लिए छुट्टी लेकर, सबैटिकल लेकर और पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलेंगे, जहाँ जहाँ रुक के, और साथ में उस पर्टिकुलर मोमेंट में हम भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे. हमें लगता था कि एक बदलाव चाहिए भारत के अंदर में, जो आया भी. 6 महीना तो मैं नहीं अफोर्ड कर पाया, बट मैं 15 दिन के लिए भारत आया और मैं बम्बई से सीधे बनारस गया, वाराणसी और पूर्वांचल जो ईस्टर्न यूपी, जहाँ पे उस समय में इलेक्शन होना वोटिंग होनी बची थी. तो मैं बनारस में, गोरखपुर में, देवरिया में, वो जो पूर्वांचल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ गांव-गांव में घूमा जी. मैं इतना ज़्यादा दुखी हुआ था ये देखकर कि इतने सालों के बाद बनारस आया, मैं 80 घाट पर गया और उस 80 घाट के ऊपर में मुझे गंगा जी में स्नान करने की इच्छा नहीं हुई. बिल्कुल, यानी कितनी गंदगी आपने वहाँ पर देखी. मतलब गंदगी तो छोड़िए, लोगों ने वहाँ पे डेफिकेशन करके रखा हुआ था. उस घाट के ऊपर में चलना और खड़े होना वो दूभर था जी. आज 2016 के अंदर में मैं दिसंबर में, 2015 के दिसंबर में मैं भारत आया था, मैं फरवरी में भी आया था और फरवरी में मैं बनारस गया जी. आज जो वो घाटों की सिचुएशन है वो देख के मुझे गर्व होता है कि एक चेंज है. भारतीय मूल के जो लोग वहाँ रह रहे हैं केन्या में, बहुत सारे जो हिंदू लोग हैं उनके परिवार में अगर कृषि की मृत्यु हो जाती है तो लोग अस्थियाँ विसर्जन करने के लिए आज भी हरिद्वार, गंगा के किनारे, बनारस में या इलाहाबाद में संगम पे मतलब विसर्जन के लिए आते हैं जी. और लोग जो आते थे उनका अपने आप में इतना नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता था भारत के बारे में जी, क्योंकि ये सारी जगहें बहुत ज़्यादा प्रदूषित हैं. बिल्कुल, तो नदियों के अंदर में, जो नदियों के किनारों पे और जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं जी, इसके ऊपर में जो इतना बड़ा एक हमारे देश की एक वो बनती थी, सिर्फ लोग जो हिंदुस्तानी मूल के हैं उनकी ही बात नहीं है जी. इसके अलावा जो टूरिस्ट आते हैं, और मैं खुद भी ट्रैवलर हूँ, मैं करीब 45 देशों में, 5 कॉन्टिनेंट्स में ट्रैवल किया हुआ हूँ जी. और अक्सर मैं अफ्रीका के अंदर भी, मैं कायरो से केप टाउन तक हर शहर में पैदल चला हूँ ईस्टर्न कोस्ट में जी. सो टूरिस्ट कम्युनिटी के बीच में जब हम बैठते हैं और बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो मिलते हैं और जो कहते हैं,
तो वो लोग जब आते थे तो वो ऐसे ही ऐतिहासिक जगहों पे जाना चाहें, बट ऐतिहासिक जगहों में जाने से पहले उनको बंबई में उतरना है या दिल्ली में उतरना है। बिल्कुल। और ये दोनों शहर भी अपने आप में कम गंदे नहीं थे। बिल्कुल। सो अब जब मिल रहे हैं तो लोग, कुछ लोगों से मतलब एक जिज्ञासावश मैं खुद भी फीडबैक लेता हूँ कि आर यू फाइंडिंग एनी चेंज, एंड पीपल आर रियली सेइंग दैट दे आर फाइंडिंग चेंज स्पेसिफिकली इन हिस्टोरिकल सिटीज, स्पेसिफिकली व्हेन दे फाइंड दैट बॉम्बे का जो एयरपोर्ट है या वहाँ से लेकर शहर का जो एरिया है वह काम करने की जरूरत अभी भी बहुत ज्यादा है। मेरा अपना भी ऑब्जर्वेशन है जी, मतलब इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इंप्रूवमेंट इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। करेक्ट करेक्ट। सो आज भी हमको करना है, बट देयर इज अ विजिबल चेंज। बिल्कुल, यानी कि जो शुरुआत है वो हो चुकी है और अभी भी हमारे पास काफी समय है जब हम इस पर और ज्यादा से ज्यादा काम करके इस अभियान को कंप्लीट कर सकेंगे। बिल्कुल संतोष तिवारी जी, इस पर हम आपसे और बहुत सारी जानकारियां लेंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस अभियान के तहत कौन कौन से लोगों का पार्टिसिपेशन है, जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका किस प्रकार का रोल है? देखिए, भारत अपने आप में एक ऐसा देश है जहां आज भी 60% पॉपुलेशन युवा वर्ग है जी, और युवा वर्ग की बहुत बड़ी भागीदारी होनी है स्वच्छ भारत अभियान में। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय गांवों को अगले 5 सालों तक हर साल 20 लाख रुपए देगा। इस अभियान के तहत सरकार ने हर परिवार में व्यक्तिगत शौचालय की लागत 12,000 रुपए तय की है, ताकि सफाई, नहाने और कपड़े धोने के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति की जा सके। अनुमान के मुताबिक पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इस अभियान पर 1,34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आइए जानते हैं किस प्रकार से अभियान को आगे बढ़ाकर स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाया जाएगा। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस अभियान के तहत कौन कौन से लोगों का पार्टिसिपेशन है, जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका किस प्रकार का रोल है? देखिए, भारत अपने आप में एक ऐसा देश है जहाँ आज भी 60% पॉपुलेशन युवा वर्ग है जी, और युवा वर्ग की बहुत बड़ी भागीदारी होनी है स्वच्छ भारत अभियान में। पहले तो ये कि वो भारत का बहुत बड़ा हिस्सा है जी, मतलब दे फॉर्म 60% और 65% ऑफ द पॉपुलेशन, वी आर टॉकिंग ऑफ 35 इयर्स एंड बिलो जी। एंड जो यूथ है वो ऑलवेज उसका एक आइकॉन होता है और वो उसको कॉपी करने की कोशिश करता है जी। तो यूथ का जो आइकॉन है वो ब्रांड एम्बेसडर्स, अगर आप फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर सचिन तेंदुलकर जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया स्वच्छ भारत अभियान का, मुकेश अंबानी जी को बनाया, उन्होंने हर क्षेत्र के लोगों को चुना, मीडिया, बॉलीवुड और इंडस्ट्री, इसके अलावा इवन कल्चर, सुब्बा लक्ष्मी जी भी इसके, यानी कि यहाँ तक कि साथ ही साथ आम जनता से भी इस चीज की अपील की है कि वो इस स्वच्छ भारत अभियान में जुड़े। कोई भी मूवमेंट को लीड करने के लिए आपको लीडर्स की जरूरत पड़ती है जी, और जो लीडर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है कि वो सब उस मूवमेंट को किस तरह से आगे ले जाते हैं, लोगों को कैसे प्रेरित करते हैं जी। तो ये इस हिसाब से उन्होंने पहले 10 या 12 कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स सेलेक्ट किए थे। बिल्कुल। और जो मोमेंटम था बहुत अच्छा था, और पहला जब उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किए तो इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि स्वच्छ भारत सिर्फ मेरा भारत नहीं है, ये पूरे 125 करोड़ 120 करोड़ भारतीयों का मिशन होना चाहिए कि हमारा देश क्लीन हो। बिल्कुल। और इस वो में उन्होंने जहाँ सचिन तेंदुलकर को चुना, जहाँ श्री मुकेश अंबानी जी को चुना, वहाँ ही उन्होंने शशि थरूर जी को भी चुना जो विपक्ष के हैं जी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेस्चर था कि इसमें सबका साथ और सबका विकास जो उनका एक नारा है, ये इसमें विकास की बात नहीं है लेकिन सबका साथ लेकर इस एक अच्छे नोबल कॉज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सबको लेने की कोशिश की। स्पोर्ट्स से सुब्बा लक्ष्मी जी को लिया उन्होंने, कल्चर और म्यूजिक वो से, फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने आमिर खान जी को लिया जी। और भारत का जो यूथ है वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है जी। सो जब शुरुआत हुई थी और इन ब्रांड एम्बेसडर्स को लेकर, तो उससे वाकई में भारत के जो इसका एक विजिबल इफेक्ट हर क्षेत्र में दिखने लगा जी। अब ये तो हो गई ब्रांड एम्बेसडर की बात, बट मैं इसके अलावा आपको कहना चाहूँगा
कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता है जी। एक नागालैंड की लड़की है तिम सुतुला इमसोंग जी, उसका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जी, बट वो लड़की बनारस के अंदर में उसने मिशन को एक पर्सनल मिशन बना लिया है और उसने BHU और बाकी जगह के युवकों और युवतियों को मोटिवेट करके उन लोगों ने पहले मिशन प्रभु पारिजात किया, फिर 80 घाट किया और एक के बाद एक घाटों को साफ करने का शुरुआत किया। बिल्कुल, ये अपने आप में ये लोग अनसंग हीरो हैं और मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री जी अगली बार ब्रांड एम्बेसडर बनाए तो मिस इमसोंग को, या कर्नाटका के अंदर में किरण कुमार हैं एक यंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लीजिए जो अपने आप में यूथ, मतलब यूथ को लेकर और अक्सर हर महीने में हर हफ्ते में जब समय मिला और लगे होते हैं कुछ इलाकों को साफ करने में, मुझे लगता है इन लोगों को मोटिवेट करना जो है, इन लोगों को रिकॉग्नाइज करना, देश को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। गंदगी साफ करने में किसी को मजा नहीं आता, लेकिन अगर जो लोग उसमें कर रहे हैं हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उन लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बिल्कुल संतोष तिवारी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं बल्कि नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत का निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपना योगदान दीजिए और देश को स्वच्छ बनाए। स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।